तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज्यादा ऑसम। और यार, आज पूरे दिन टाइम नहीं मिला, बट मेरे को ये आपको अपडेट देना जरूरी समझी, इसलिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। और यार, बाहर काफी रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से 12 बज चुके हैं रात के, लेकिन मैं लाइट वाइट लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो जल्दी से आपको वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो गाइस, आपको पता होगा मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजर काफी ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है एक्सयूवी में मारुति सुजुकी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो हमें फेस करनी पड़ती, सिर्फ इसमें डीजल ऑप्शन मिल रहा था और लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, यार इसमें डीजल ऑप्शन मिल रहा है, पेट्रोल ऑप्शन मिल नहीं रहा। लेकिन न्यूज आ चुके कि इसमें ऑप्शन आने वाला है 1.2 लीटर के साथ, इसमें जल्दी से ऑप्शन आने वाला है। लेकिन जो नई खबर आई है, जो बेस्ट है, वो आ रही है इसमें जल्दी से ऑप्शन आने वाला है सीएनजी, वो भी कंपनी फिटेड। हाँ गाइस, सही सुना, सीएनजी फिटिंग का इसमें ऑप्शन रहने वाला है। मतलब लोगों ने इतना वेट करा 2-3 साल, अब इन्होंने पूरा कर दिया। अब इसमें आपको सीएनजी ऑप्शन मिला करेगा, वो भी कंपनी फिटेड 1.2 लीटर के साथ, जो आपको देगा 25-26 की एवरेज निकाल के। यार एक्सयूवी में 25-26 की एवरेज निकाल के देगा, बताओ, वो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस देखो, 26-25 की एवरेज निकाल के देगा एक्सयूवी विटारा ब्रेजा इतनी बल्कि गाड़ी के लिए, तो यार ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब हमें सीएनजी पे ये देखना परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। तो गाइस, अब आप सोच रहे होगे उन्होंने ये एकदम से सीएनजी ऑप्शन क्यों निकाल दिया, तो यार मैं बता दूं आपको, विटारा ब्रेजा 3 साल से नंबर 1 पोजीशन पे थी एक्सयूवी की, लेकिन अब इसको झटका लग चुका है, ये 2nd पोजीशन पे आ चुकी है। क्योंकि जो इसके राइवल्स, जैसे बहुत नए राइवल्स आ चुके हैं इसके, जैसे एक्सयूवी वी टाटा नेक्सन और ये नई जो आई है वेन्यू, इसने काफी तगड़ा कंपटीशन दिया और इसको 2nd पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। तभी मारुति सुजुकी ने एक अपना दिमाग लगाया, क्योंकि इन्हें इसकी ज्यादा सेल करनी है और नंबर 1 पोजीशन पे आना है, इसलिए इन्होंने इसको सीएनजी के साथ ऑप्शन पे उतार दिया। तो यार इसमें मारुति गेम खेल गई, क्योंकि वो 2nd पोजीशन पे आ गई, और मारुति की गाड़ी अगर 2nd पोजीशन पे आ जाए तो इनको बहुत झटका लग जाता है, इसलिए इन्होंने इसके साथ सीएनजी वाला ऑप्शन लेने वाले हैं। और पक्का अगर ये सीएनजी वाला ऑप्शन आएगा तो ये फिर से 1st पोजीशन पे आ जाएगी। इन मामलों में मारुति काफी ज्यादा स्मार्ट मूव खेलती है। तो गाइज, इसलिए मारुति ने डीजल को बंद कर दिया। अब इसमें भी इनकी चाल है, डीजल ऑप्शन को इसलिए बंद कर दिया, अब लोगों को काफी ज्यादा प्यार है ब्रेजा से, चाहे वो डीजल में आती लेकिन लोग ले रहे थे, अब इन्होंने बंद करके सीधा पेट्रोल सीएनजी पे निकालेंगे तो पब्लिक और पागल होगी और इनकी सेल्स काफी ज्यादा होने वाली है, तो डेफिनेटली है। और आपको बता दूं यार, जब ये मार्केट में आएगी तो 1.2 लीटर के साथ आएगी और शायद नया इंजन कर सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। 1.4 लीटर का इंजन भी शायद ये नया लेके आया विटारा ब्रेजा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 1.2 लीटर तो पक्का आने वाला है। और इसके साथ आपको छोटे छोटे माइनर चेंज मिलेंगे, डेफिनेटली आपको बाहर से तो चेंज मिलेगा प्लास्टिक वगैरह बम्पर में थोड़ा सा, लेकिन हाँ अंदर से काफी चेंज होने वाला है, इंटीरियर को काफी ज्यादा चेंज कर देंगे। तो यार बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ऑब्वियसली जो विटारा ब्रेजा के लवर्स है, पर्सनली मैं भी लवर हूँ, तो उनको तो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और सीएनजी लगने के बाद इसमें इतनी अच्छी एवरेज आएगी, और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए यार इतनी 26 की एवरेज बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो मुझे पता है यार आपको जान के ये खुशी होगी। तो चलो यार, वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको दे दूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।